उत्तराखंड के चंपावत में हुआ बड़ा हादसा, खाई में गिरा वाहन, घटना में हुई 11 लोगों की दर्दनाक मौत। होली पर लगेगा महंगाई का बड़ा झटका, कच्चे तेल के दामों में इजाफा, $100 छूने के कगार पर कच्चा तेल। दिखा न्यूज पॉल इंडिया की खबर का बड़ा असर, राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, अल्पसंख्यक और हिंदू के खिलाफ दिया था बयान। मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधान पति का तुगलकी फरमान, दलित युवक के गले में फंदा डाल गलियों में घसीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल। एंड बुलेटिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चमोली के दशौली में ब्लॉक के सिरोग गांव में आज भी सड़क नहीं पहुंची है। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि देश और दुनिया डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन हमारा गांव अभी भी सड़क की राह देख रहा है। बता दें कि गोपेश्वर मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा है। इस गांव में 70% लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं, लेकिन सड़क न होने के कारण काफी लोगों ने यहां से पलायन कर लिया है। इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार अपनी बातें रखने के लिए कई अधिकारियों के पास ये गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई सुनवाई नहीं की गई है। चमोली के दशौली ब्लॉक का सिरो गांव, जहां पर सड़कें नहीं है, ग्रामीण बेहद परेशान है क्योंकि आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि देश और दुनिया डिजिटल हो रही है और डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, लेकिन यहाँ इस गांव की बात करें तो यहाँ मुख्य मार्ग नहीं है, सड़क नहीं है, मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले रास्ते नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो गोपेश्वर मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है और इस गांव में 70% लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं। अंदाजा आप लगाइए कि इस गांव ने एक बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगा दिया, उसके बावजूद भी इस गांव की सेवा करने वाला कोई नहीं है। गांव में सड़कें नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान है, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में काफी लोग ऐसे हैं जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफी किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है और पैदल चलने की वजह से कई बार लोग जो हैं वो जंगली जानवरों का शिकार भी हो जाते हैं। सड़क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों आना जाना, कई लोग औरतें हैं या कोई भी अगर बीमार हो गया उसको कुछ अवसर ले जाने के लिए बड़ी समस्या है। तो यही रोड की समस्या सबसे ज्यादा है, बाकी तो गाँव में प्लान का तो क्या बोलना, प्लान रोड न होने से भी जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको रहना होगा रहेगा ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, वो तो बड़ी बड़ी एजल एक्सप्रेस की बात है। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगी जो कुंवर देवी जी ने कहा है, सबसे मेन समस्या हमारे रोड की है। कई बार हम DM के पास गए, वहाँ पर हमने अपनी समस्याएँ रखी, प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हमने ये तक कहा कि हम रोड पर धरना देंगे, प्रशासन ने तब भी हमारी सुनवाई नहीं की। हमारी सारी गांव की महिलाएं, ये बुजुर्ग हैं, इनके घुटनों में दर्द है, ये ऐसे डंडी कंडियों में जा रहे हैं, कभी किसी की रात की तबीयत खराब हो जा रही, कौन ले जाएगा यहाँ से कुड़ियाल से। हमारे यहाँ पे जो है 70% जो है फौज में है और 30% जो है एक्समैन घर पे है, और लेडीजें खेती करती हैं और अपना खेती से अपना व्यवसाय करती हैं। चंद एक लेडीज ऐसी हैं, विधवाएं हैं, और चंद एक लेडीज ऐसी हैं जो कि जो है पेंशन मिलती है उनको, लेकिन वो बेचारी इतने असमर्थ हैं कि वो यहाँ से अपनी पेंशन को लेने के लिए नहीं जा पा रही हैं।